पिथौरागढ़ जिले में 2000 के नोट जमा करने के लिए बैंकों में दूसरे दिन थोड़ी भीड़ उमड़ी। भारतीय स्टेट बैंक की जिले में स्थित 43 शाखाओं में 3.97 करोड़ रुपए के नोट खाते में जमा किए गए और 10.68 लाख के नोट बदले गए। ग्रामीण बैंक में 10.80 लाख के नोट बदलने के साथ ही 21 लाख रुपए जमा कराए गए। नैनीताल बैंक में 205, कैनरा बैंक में 104, पंजाब नेशनल बैंक में 274, अल्मोड़ा अर्बन बैंक में 227 नोट जमा हुए। धारचूला विकास खंड के अंतर्गत 2170 नोट जमा करने के साथ ही 78 नोट बदले गए। अभी तक जिले भर में 8 करोड़ से अधिक की धनराशि 2 दिन में जमा हो चुकी है। पिथौरागढ़ नगर के विवेकानंद कॉलोनी में 66 वर्षीय महिला कमला देवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। महिला गीली छत में घास को डंडे से फैला रही थी। डंडा ऊपर उठाते ही वह हाई टेंशन लाइन से टच हो गया। महिला को जबरदस्त झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। महिला के हाथ और पैर में चोट आई है। महिला को निजी टैक्सी से जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। पारिवारिक विवाद से संबंधित काउंसलिंग के लिए पूजा देवी और नेहा देवी निवासी चिटगल गंगोली हाट पिथौरागढ़ पहुंची। महिलाओं ने काउंसलिंग सेल को पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के बारे में जानकारी दी। इस पर सेल की प्रभारी पूजा मेहरा ने उनका दाखिला रामा इन्फोटेक स्किल सेंटर में कराया। महिलाओं को 6 माह का प्रशिक्षण सिलाई कढ़ाई का दिया जाएगा, साथ ही उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं ने टीम का आभार जताया। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में संजीवनी हॉस्पिटल द्वारा पहली बार आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड व TPA द्वारा निःशुल्क भर्ती की सुविधा, क्रिटिकल केयर ICU, बच्चों की ICU, आँख के ऑपरेशन, नाक कान गले के ऑपरेशन एवं समस्त प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आधुनिक मशीनों द्वारा डायलिसिस की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध है। अभी संपर्क करें संजीवनी हॉस्पिटल, नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत टनकपुर पुलिस ने मनिहार गोट चौराहे के पास से नरेंद्र मिश्रा निवासी वार्ड 5 नई बस्ती के कब्जे से बिना पन्नी वजन 2.89 ग्राम व शुभम आर्य निवासी वार्ड 7 से बिना पन्नी वजन 1.78 ग्राम स्मैक बरामद की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह खटीमा नानक मत्ता क्षेत्र से सस्ते दाम में स्मैक खरीदकर उसे टनकपुर बनबसा में ऊंचे दाम पर बेचते थे। टीम में SI अंजू यादव, शाकिर अली, सूरज कुमार, रमेश कांडपाल शामिल रहे। विकासखंड सभागार मुंशियारी में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। आंखों के सर्जन डॉक्टर कैलाश ब्रिजवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक चनकन्याल ने मरीजों की जांच कर 11 विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार, LMO डॉक्टर पूजा गोस्वामी ने 43 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श दिया। आयुष विंग ने 28 मरीजों का परीक्षण कर फार्मासिस्ट नीरज कुमार ने दवा दी। यहां जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया, डॉक्टर गौरव कुमार, BDO महेश चंद्र परगाई, CDPR तुलसी एरी, तनुजा कुरंगा समेत कई लोग मौजूद रहे। शराब के नशे में वाहन चलाने और शांति व्यवस्था भंग करने पर पिथौरागढ़ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 1 बाइक सीज की। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 1 तथा बिना कागजात के वाहन चलाने पर 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिले में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 123 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। मिशन मर्यादा के अंतर्गत 60 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने झूलाघाट में जागरूकता और जन सुनवाई शिविर लगाया। उपभोक्ताओं को समय पर बिजली का बिल मिलने, खराब मीटर बदलने, लो और हाई वोल्टेज की समस्या समेत कई जानकारी दी गई। न्यायिक सदस्य अजय कुमार बोरा, उपभोक्ता सदस्य संतोष भट्ट ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और विभाग की जिम्मेदारी के बारे में बताया। साथ ही साइबर अपराधियों द्वारा बिल जमा करने, संयोजन काटने संबंधी फेक कॉल से बचने की अपील की। JE हरीश कुमार, प्रधान किरण भट्ट, सुरेंद्र सिंह, नवीन भट्ट, जगदीश ओली, सुरेंद्र कुमार ने बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं रखी। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।